Welcome everybody. In this session, we are reading chapter number 3, Fire Buckets. And I am reading this chapter from the book Mulberry. So I am starting it from here. Let us read a story about the visit of an anthropologist. तो ये story है किसके बारे में है? Anthropologist के बारे में है कि वो एक छोटे से town में आते हैं and the excitement it generates in its otherwise dull life. और कैसे उनकी life में excitement आती है इससे, मतलब normal से जो उनकी रोज़मर्रा के काम है उस डल लाइफ में, उनकी लाइफ में कैसे एक्साइटमेंट आई इस छोटे से टाउन में आने से. तो ये बेसिकली इसके बारे में है. अब एंथ्रोपोलॉजिस्ट किन्हें कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजिस्ट उन लोगों को कहते हैं जो ह्यूमंस की स्टडी करते हैं, मतलब उनके बिलीव्स के बारे में, उनके कस्टम, उनके रीति रिवाज, कैसे वो रहते हैं, रहन सहन, इन सारी चीज़ों के बारे में जो भी पता लगाने का काम करते हैं वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट करते हैं. ओके, सो The young captain who came in for stock medicines brought the news. तो young captain आता है और मतलब वो medicines लाने का काम करता है, तो वो अपने साथ साथ news लेकर आया. क्या news लेकर आया? He got 2 pounds of butter. और उसने क्या लिए? 2 pound butter लिया, a box of एक box chocolate का लिया, one of the several goodies they bartered. कुछ एक दो चीज़ें और ली जिसके लिए उन्होंने बाटर. बाटर का मीनिंग क्या होता है? बाटर का मतलब होता है एक्सचेंज्ड गुड और सर्विसेज फॉर अदर गुड्स और सर्विसेज विदाउट यूजिंग मनी. तो बाटर क्या कहते हैं? चीज़ों को एक्सचेंज करना. तो यहाँ पे बाटर सिस्टम होता था, पैसे नहीं दिए जाते थे, पैसों की जगह सामान एक्सचेंज किया जाता था. तो वो ये सारा सामान बाटर करता है, मीन्स एक्सचेंज करता है. ठीक है, दे बार्टर्ड स्टॉक मेडिसिंस फॉर, तो उसके बदले वो मतलब स्टॉक मेडिसिंस और ये बॉक्स गुडीज़ ये सब इन्होंने एक्सचेंज करे. दे हैड अ लॉट ऑफ फेथ इन स्टॉक मेडिसिंस. दो अब उनको बहुत ही फेथ था, मतलब उनको बहुत विश्वास था किसके ऊपर? स्टॉक मेडिसिंस के ऊपर. ठीक है, एडवर्ड हैनलिन वॉज ऑन हिज वे टू दिबारू. तो ये जो पर्सन है, जो कैप्टन है, वो सबको बताते हैं कि जो एडवर्ड हैनलिन है ना, वो दिबारू मतलब वो अपने रास्ते में है, मतलब वो आ रहे हैं दिबारू. ही हैड टोल्ड द कंपाउंडर. तो वो कंपाउंडर को बताते हैं. कंपाउंडर कौन है? हॉस्पिटल में जो मेडिसिन, मतलब हॉस्पिटल में जो काम करते हैं, उसको उन्होंने बताया इस पर्सन. सो बिफोर ही हैड पिक्ड अप हिज सप्लाइज फ्रॉम द सेठ्स शॉप. तो सेठ की शॉप से जब उसने अपना सब सामान लेने से पहले उसने वाली बात कंपाउंडर को बता दी कि एडवर्ड हैनलिन आने वाले हैं. सो द ओनली वन इन दैट लिटल विलेज मैस्करेडिंग एज अ टाउन एवरीबडी हैड हियर्ड द न्यूज़. तो मैस्करेडिंग का मीनिंग पढ़ लेते हैं एक बार. मैस्करेडिंग कहते हैं एक्टिंग. तो एक तरीके से ये क्या था? एक तरीके से क्या था कि द ओनली वन इन द लिटल विलेज मैस्करेडिंग एज अ टाउन एवरीबडी हैड हियर द न्यूज़. अब ये क्या कहते हैं कि जो विलेज है ना, ये विलेज काफ़ी छोटा सा था, और मैस्करेडिंग मतलब ये विलेज एक छोटा सा गांव, एक टाउन की तरह एक्टिंग, मतलब एक टाउन की तरह बना हुआ था, एक शहर की तरह बना हुआ था, और सबने इस न्यूज़ के बारे में सुन लिया. अब सबने कैसे सुन लिया इस न्यूज़ के बारे में? क्योंकि उसने तो एक ही पर्सन को बताया है. न्यूज़ डिड नॉट हैव मच डिस्टेंस टू ट्रैवल. क्योंकि जो ये खबर थी ना, इसको ज़्यादा दूर तक नहीं फैलना था, क्योंकि एक बहुत छोटी सी जगह थी. 300 meters बिहाइंड द हॉस्पिटल वेयर द हाउसेज ऑफ द इंजीनियर एंड 2 doctors. तो कितनी सी जगह थी? 300 meters बिहाइंड हॉस्पिटल के पीछे, 300 meter वेयर द, जहाँ पे थोड़े से घर हैं इंजीनियर के और 2 doctor रहते हैं. एंड बिहाइंड देम इन अ रो स्टूड द ऑफिसेस. और उनके पीछे ऑफिसेस की लाइन बनी हुई है, काफ़ी सारे ऑफिसेस लगे बने हुए हैं. एंड द क्लेरिकल क्वार्टर्स, और ऑफिशियल पर्पज़ के लिए क्वार्टर्स बने हुए हैं. एंड द ओनली शॉप दैट द सेठ रैन. और एक सेठ की शॉप है, मतलब सेठ एक पर्सन है, उसकी एक शॉप थी. तो इतने से लोग रहते थे बस उस टाउन में. सो फॉर फेमस वॉज ही दैट नो जस्ट अदर ही हिमसेल्फ हैड फॉरगॉटन हिज नेम इन फ्रंट ऑफ द हॉस्पिटल ऑन अ लिटल हिलॉक ओवर लुकिंग द लोहित लिव रिवर.
stood the political officers, PO's bungalow and a little beyond that was a dark bungalow. तो ये पूरी जगह बताई हुई है कि वहाँ पे PO का बंगलो था और उसके थोड़ा सा आगे जाके डार्क बंगलो बना हुआ था, हॉस्पिटल था, ठीक है. तो ये सारी जगह है. तो बेसिकली जो वो टाउन है ना, वो काफ़ी छोटा सा टाउन है और उसमें थोड़ी बहुत एक दो चीज़ें हैं और उस टाउन में ज़्यादा कुछ नहीं है. अ टैरड रोड रैन अ रिंग राउंड द हिलॉक टू द पीओज हाउस एंड सेंडिंग अ लिटल आर्म ऑफ द पोर्च ऑफ हिज वेरांडा कॉन्टिन्यू टू द डार्क बंगलो. तो ये पूरा रास्ता बताया गया है किसका, कि अ टैरड रोड रैन अ रिंग अराउंड द हिलॉक टू द पीओज हाउस एंड सेंडिंग अ लिटल आर्म टू द पोर्च टू द वेरांडा, के पीओज का हाउस है, फिर उससे हल्का सा आगे जाके वेरांडा है, पोर्च ऑफिस वेरांडा कॉन्टिन्यू टू द डार्क बंगलो, जो डार्क बंगलो तक का है. दिस एलिवेशन डिड नॉट मेक द बंगलो द फलक्रम हेयर. और ऐसा लग रहा है कि जो बंगलो है ना, जो बंगलो दर बना हुआ है, वो एक फलक्रम की तरह है. फलक्रम किसे कहते हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, मतलब वहाँ का सबसे इम्पॉर्टेंट जगह. अब यहाँ से आते हैं इम्पॉर्टेंट. द हॉस्पिटल वॉज द एक्सिस अराउंड विच द प्लेस रिवॉल्व. अब हॉस्पिटल क्या है, एक तरीके से एक्सिस है, एक रास्ता है जहाँ से चारों ओर, मतलब उस वो एक ऐसा एक्सिस की तरह, एक रास्ते की तरह जिससे सारी वो जगह रिवॉल्व होती है, मतलब वो सारी जगह का पता लगता है. एंड दैट फॉर गुड रीजंस इट हैड एवरीथिंग दैट द अदर ऑफिसेज और हाउसेज डिड नॉट हैव. और इसी वजह से उस हॉस्पिटल में सब कुछ था जो बाकी के ऑफिसेज में या फिर बाकी के हाउस में नहीं था. तो वहां पे क्या क्या था उस हॉस्पिटल में, उधर रेफ्रिजरेटर भी था. रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज. इट डबल्ड एज द न्यूज रूम एड्स आल्सो रेडिएटेड गॉसिप. अब वो क्या था, न्यूज़ रूम भी था वो एक तरीके से, मतलब वहाँ पे ही सारी लोग आके खबर देते थे, जैसे इनके आने की खबर दी, एडवर्ड हैनलिन के आने की खबर मिली, तो एक न्यूज़ रूम की तरह भी था वो हॉस्पिटल. रेडिएटेड गॉसिप, वहाँ पे लोग बातें भी करते थे, ठीक है. तो ऐसे वो था हॉस्पिटल, मेन जगह थी, मतलब उस जगह की, वहाँ की, उस टाउन की. विद इन द आर, तो एक घंटे के अंदर, अदन विद इन द आर एवरीबडी हैड हियर दैट एडवर्ड हैनलिन वॉज अबाउट टू कम टू दिबारू. तो एक घंटे के अंदर ये सारी बात सब में फैल गई कि एडवर्ड हैनलिन आ रहे हैं दिबारू में. देयर वरंट मैनी टू क्वालिफाई एज एवरीबडीज एवरीबडी. अब देयर वरंट मैनी टू क्वालिफाई एज एवरीबडी. अब इसका एक मैं आपको मतलब बताती हूँ. एवरीबडी इधर इसलिए कहा गया है बिकॉज ये ना काफ़ी कम लोग थे, तो एवरीबडी मतलब सभी लोगों को ये वाली बात पता चल गई. हेयर एवरीबडी लिटरली न्यू एवरीबडी, मतलब यहाँ पे हर कोई सबको ही जानता था. मतलब एक आपको मैं एग्जाम्पल दूँ, अगर एक क्लास में 10 बच्चे, तो 10 बच्चे एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, मतलब 10 के 10 एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, कोई इधर अलग ग्रुप नहीं है. तो इसी तरीके से इस टाउन का था कि यहाँ पे हर एक इंसान हर किसी को जानता था. जैसे हम लोग रहते हैं, तो हम काफ़ी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे काफ़ी सारे लोग रहते हैं, तो हम हर किसी को नहीं जानते, हम किसी किसी को जानते हैं, लेकिन यहाँ पे सब एक दूसरे को अच्छे से जानते थे बिकॉज़ यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा कम थे. इट वॉज जस्ट अ लिटल कलेक्शन ऑफ हाउसेज आफ्टर ऑल, क्योंकि यहाँ पे बस एक छोटी सी कलेक्शन ही तो थी, मतलब थोड़े बहुत यहाँ पे घर ही तो थे. ग्लोरिफाइड बाय द नेम ऑफ अ टाउन, और जो और उन थोड़े बहुत घरों का जो कलेक्शन है, मतलब थोड़े बहुत जो घर इकट्ठे वहाँ पे बने हुए हैं, उसी को यहाँ पे, उन्हीं इकट्ठे घरों को यहाँ पे एक टाउन का नाम दे दिया. मतलब थोड़े बहुत घर बने हुए हैं और उसी जगह को एक टाउन बना दिया लोगों ने. जस्ट 11 हाउसेस फॉर द डॉक्टर, और यहाँ पे कितने घर हैं टोटल, 11 घर, सिर्फ 11 घर है उस एरिए को टाउन बना दिया, ठीक है. डॉक्टर का घर, इंजीनियर, पॉलिटिकल ऑफिसर, असिस्टेंट, क्लर्क्स, कंपाउंडर, नर्सेज एंड द लोन सेठ इंक्लूडेड, और लोन सेठ बस इन लोगों के घर थे, ठीक है. दे ऑल इनहैबिटेड सिमिलर लुकिंग स्मॉल हाउसेस, तो ये सारे लोग एक जैसे से दिखने वाले घर में रहते थे. वाइट वॉश्ड विद लाइम विद सिमिलर लुकिंग गार्डन्स, एक जैसे से उनका मतलब घर में वाइट वॉशिंग हो रखी थी, सफ़ेदी हो रखी थी, और एक जैसे से उनके घर के गार्डन थे.
टू और थ्री लिटल रूम, एक दो उनके घर में छोटे छोटे रूम्स थे, मतलब दो तीन छोटे छोटे रूम्स थे, अ लिटल ओपन कॉरिडोर शेडेड बाय अ स्लोपी टिन, और एक छोटी सी कॉरिडोर बनी हुई थी, मतलब रास्ता जो होता है, जैसे आप रूम्स होते तो रूम्स के बाहर कॉरिडोर बनी हुई होती है ना एक तरीके से, जाने की जो जगह होती है पूरी, वैसे तो कॉरिडोर बने हुए थे जिसके ऊपर क्या है, स्लोपी टिन बनी हुई थी। जैसे अगर ये मैं आपको यहाँ पे घर बनाकर दिखाऊं, जैसे यहाँ पे ग्रिल्स बनी, ग्रिल बनी हुई है, ठीक है। अब इन ग्रिल के यहाँ पे जो ये रास्ता होता है और उसके ऊपर स्लोपी मतलब ढलान वाली छत बनी हुई थी, ठीक है। तो ये सारा उनके घरों का डिज़ाइन बताया हुआ है कि उनके घर कैसे थे, तो स्लोपी रूफ थी उनकी, ठीक है, ढलान वाली छत थी, लीडिंग टू द किचन बिहाइंड, पीछे किचन था। द कॉरिडोर वॉज फ्लैंक्ड बाय अ कोर्टयार्ड एनक्लोज्ड बाय लो वाइट वॉश्ड बाउंड्री वॉल्स, ठीक है। अब जो कॉरिडोर था वॉज फ्लैंक्ड बाय, फ्लैंक्ड का मीनिंग होता है टू बी एट द साइड ऑफ समथिंग, ठीक है। तो वो जो कॉरिडोर था ना वो किसके साइड में था, कोर्टयार्ड के साइड में था, एनक्लोज्ड बाय अ लो वाइट वॉश्ड बाउंड्री वॉल्स, और उस कोर्टयार्ड के चारों तरफ क्या थी, छोटी छोटी सी दीवारें बनी हुई थी सफेद, और उस पर सफेदी हो रखी थी। The courtyards always had a heap of fuel wood, और उन courtyards में क्या थे, उन courtyards में ढेर रखे हुए थे fuel wood के, fuel wood होता है आग जलाने वाली लकड़ी के, under a tin shed, किसके नीचे, tin का जो लोहे की चद्दर होती है उसका, उसके नीचे ऐसे काफ़ी सारे woods रखे हुए थे, ठीक है। And many tin buckets lined up to catch rain water, और काफ़ी सारे tin की buckets भी, बाल्टियाँ भी बना रखी थी जिससे वो बारिश का पानी इकट्ठा कर सके। The houses were small, जो घर थे वो काफ़ी छोटे थे, even that of the political officer who had a princely four roomed mansion, और यहाँ तक कि जो political officer है जिसका काफ़ी मतलब चार फोर रूम का मेंशन बना हुआ था, चार रूम थे उसके बस मेंशन में, ठीक है। बट हिज गार्डन वॉज द लार्जेस्ट, लेकिन उसका गार्डन, जो पॉलिटिकल ऑफिसर था ना उसका गार्डन काफ़ी बड़ा था। मोस्ट पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड वाई द हाउसेज शुड बी स्मॉल, फॉर देयर वॉज इनफ स्पेस हेयर टू बिल्ड प्लेसेस। अब काफ़ी सारे लोग ये बात समझ नहीं पाते थे कि यहाँ पे घर क्यों इतने छोटे हैं, क्योंकि यहाँ पे जब जगह इतनी सारी है, बड़े बड़े घर बनाने की जगह, लेकिन फिर भी यहाँ पे लोगों के घर काफ़ी छोटे थे। ईच वन हैड अ लिटल गार्डन, हर एक पर्सन का एक छोटा सा गार्डन था। सम टेंडेड जेलिसी, सम रनिंग वाइल्ड, कुछ किसी को जेलिसी होती थी जो लोग होते थे, ठीक है। द ट्राइब्स दैट लिव्ड बियॉन्ड द हिलॉक, हिलॉक के हिल्स के दूसरी तरफ कुछ ट्राइब्स रहती थी। ट्राइब किन्हें कहते हैं, कुछ ट्राइब्स होते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स को कहा जाता है, ठीक है। और वो लोग मतलब अपने ही, उनके वो होते हैं एक तरीके से, उन वो अपने ही रीति रिवाज होते हैं उन लोगों के, और वो उन्हीं चीज़ों को मानते हैं। काफ़ी कम लोगों के ग्रुप को ट्राइब कहा जाता है, ठीक है। एंड अक्रॉस द रिवर डिड नॉट काउंट, और उन लोगों को वो गिनते नहीं थे जो यहाँ पे रहने वाले लोग थे वो। ओनली एंथ्रोपोलॉजिस्ट कंसिडर देम पीपल, सिर्फ एंथ्रोपोलॉजिस्ट उनको लोगों में मानते थे, कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये मानते थे कि हाँ वो भी हैं, लोग हैं, नहीं तो लोग उनको नहीं गिनते थे। द अदर्स लुक्ड अपॉन देम एज सोर्सेज ऑफ देयर जॉब्स, और बाकी सारे लोग उनको अपने जॉब का एक तरीके से सोर्स मानते थे कि उनसे काम करवाया जाए। क्रिएटर्स हु स्पोक गिबरिश, कुछ लोग उनको क्रिएटर्स मतलब ऐसा मानते थे कि जो सिर्फ गिबरिश, गिबरिश का मतलब होता है जो सिर्फ नॉनसेंस, सिर्फ जो बकवास करते हैं वो माना जाता था। एक्सेप्ट द टू हु हैड बीन एम्प्लॉयड बाय द हॉस्पिटल टू पुल द थिक क्लोथ पंखा डैट हंग फ्रॉम द सीलिंग, और सिर्फ दो ही जो लोग थे, उन दो लोगों को छोड़ के, मतलब उन लोगों में से दो ऐसे लोग थे जिनको काम पे रखा गया था हॉस्पिटल में, टू पुल द थिक क्लोथ पंखा, पंख का मतलब क्या होता है, पीस ऑफ क्लोथ दैट इज मेड टू गो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड विद द हेल्प ऑफ अ
रोप टू मेक इट वर्क लाइक अ फैन, मतलब एक आप बड़ा सा पंखा टाइप समझ लो, एक फैन समझ लो, कपड़े का बना हुआ होता था और उसको रस्सी से खींचना होता था जिससे वो आगे पीछे होकर हवा दे सके, तो वो मूव करने का उनका काम था उन लोगों को छोड़ के बस। इट वॉज अ बोर्ड कम्युनिटी एंड ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर एक्साइटमेंट। तो अब जो वहाँ पे रहने वाले, जो उस टाउन में रहने वाले जो लोग थे ना, जो थोड़े से जो लोग थे, अब उन लोगों को ट्राइब्स से भी इतना मतलब नहीं था, ठीक है। अब उनके यहाँ पे इतने कम लोग थे कि वो काफ़ी बोर से थे, मतलब कुछ था ही नहीं उनके लाइफ में खास, और वो हमेशा कुछ एक्साइटमेंट का ढूंढते रहते थे कि ऐसी कोई चीज़ मिल जाए जिससे उनको एक्साइटमेंट फील हो। इवन द अराइवल ऑफ टिन्स ऑफ फ्रेश बकेट्स इन सेठ्स शॉप वॉज न्यूज टू बी च्यूड ओवर। इवन ये वाली भी एक न्यूज़ बन गई थी उनके एरिए में, ये भी एक खास बातचीत का टॉपिक बन गया था कि सेठ की शॉप में टिन्स आए हैं, फ्रेश बिस्किट के डब्बे आए हैं, ठीक है। द न्यूज़ ऑफ एडवर्ड हैनलिन्स अराइवल वॉज अ होल न्यू बॉल गेम दो। अब एडवर्ड हैनलिन के आने की जो न्यूज़ थी वो एक तरीके से काफ़ी नई बात हो गई थी, न्यू बॉल गेम दो, मतलब काफ़ी अच्छी उनके लिए, काफ़ी एक्साइटमेंट वाली सी बात हो गई थी आने की, क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ इतना खास था ही नहीं। एवरीबडी हैड हियर्ड ऑफ हिम, सब ने उनके बारे में सुना था। द एंथ्रोपोलॉजिस्ट विद एन एडवेंचरर सोल हु प्रिफर द टेंट पुट अप इन अ थिकेट टू द डार्क बंगलो। अब क्या, कौन थे एडवर्ड हैनलिन? वो एक काफ़ी फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे विद एन एडवेंचरस सोल, जो काफ़ी, मतलब काफ़ी एडवेंचर करना उन्हें पसंद था, नई नई चीज़ों के बारे में पता लगाना उनको काफ़ी पसंद था। हु प्रिफर्ड, जिनको क्या पसंद था, हु प्रिफर्ड द टेंट पुट अप इन अ थिकेट, थिकेट कहते हैं एक तरीके से घास को। अ ग्रुप ऑफ बुशेज और स्मॉल ट्रीज ग्रोइंग क्लोजली टुगेदर, मतलब छोटी छोटी सी बुशेज होती है ना, छोटी छोटी सी झाड़ियाँ हो गई, छोटे ट्रीज हो गए, उसके आसपास उनको टेंट लगाना पसंद था, मतलब वहाँ रहना पसंद था। टू द डार्क बंगलो, ही न्यू मैनी ऑफ द लैंग्वेजेस। अब उनको काफ़ी सारी लैंग्वेजेस पसंद थी, ट्राइब्स के बारे में, जो ट्राइब्स बोलती थी, अलग अलग जो ग्रुप्स के लोग हैं वो सब बोलते थे, उनकी लैंग्वेजेस आती थी। ही लिव्ड एंड डांस्ड विद देम एंड रोट डाउन एवरीथिंग इन हिज नोट बुक्स। तो वो उनके साथ रहते थे क्योंकि वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, वो ह्यूमंस के बारे में पढ़ते थे कि अलग अलग ग्रुप्स के लोग कैसे होते हैं, बेसिकली इनके बारे में वो पढ़ते थे, तो इसलिए वो जो भी उनके साथ मतलब रहते थे, जो भी वो वहाँ पे ऑब्जर्व करते थे, देख के सीखते थे उनसे, वो सब वो अपनी नोटबुक में लिखते थे। तो इनके आने की उनको काफ़ी ज़्यादा, सारे लोगों को, टाउन के लोगों को काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ था। The governor invited him to dinner and gave him his jeep and talked to army officer on the wireless to tell them to make Edward's life a little easy. अब गवर्नर ने उनको इन्वाइट किया था, उनको बुलाया था डिनर पे और उनको अपनी जीप दी थी, ठीक है, और आर्मी ऑफिसर्स को कहा था वायरलेस, मतलब आर्मी ऑफिसर्स को फ़ोन पे कहा था कि एडवर्ड के लिए तुम थोड़ा सा उनकी लाइफ ईजी बनाने के लिए, मतलब वो इतनी आराम से रहें वो, तो वो करने के लिए आप कुछ चीज़ें करो, और आर्मी ऑफिसर्स ने उनके लिए काफ़ी सारी चीज़ें उनको हेल्प करने के लिए की भी, जैसे दे गेव हिम द मोस्ट कैपेशियस ऑफ देयर टेंट्स एंड कुक्ड फॉर हिम। तो आर्मी ऑफिसर्स ने क्या करा, कैपेशियस का मतलब होता है ऐसा टेंट जिसमें काफ़ी सारी स्पेस हो, लार्ज इनफ टू कंटेन अ लॉट ऑफ थिंग्स, ऐसा टेंट जिसमें ज़्यादा स्पेस हो, जिसमें ज़्यादा चीज़ें रखी जाए, और उनके लिए खाना वगैरह भी बनाया। दिस वॉज अ सेंसेशन द न्यूज़ ऑफ हिज अराइवल। तो उनके आने की जो न्यूज़ थी ना वो एक सेंसेशन की तरह हो गई थी कि देखो वो आ रहे हैं, मतलब काफ़ी क्रेज़ था लोगों को। द हॉस्पिटल अ स्पॉटलेसली क्लीन बिल्डिंग। तो अब उनके आने की ना यहाँ से तैयारियाँ हो रही हैं, ठीक है। तो ये सब अभी तक जो हमने पढ़ा ना वो सब तो पूरा टाउन के बारे में बता दिया कि एक छोटा सा टाउन था, ठीक है, उसमें 11 घर थे बेसिकली, तो वो छोटे छोटे से घर होते थे, एक जैसे से घर होते थे, तो पूरा घर का बताया कि घर कैसे होते हैं, वहाँ के जगह बताई सारी। तो अभी तक हमने इसके बारे में पढ़ा, तो वहाँ पे ना बेसिकली एक हॉस्पिटल था, वो हॉस्पिटल ही वहाँ का मेन एक्सेस था, मतलब एक मेन पॉइंट था कि जहाँ से सब लोग होते हुए
सब लोगों की वो नज़र में आता था, ठीक है। तो अब उसके बारे में देखते हैं, क्योंकि अब वो आएंगे एडवर्ड जो हैं वो आएंगे, तो उनके आने की अब तैयारियां हो रही थी कि सब कुछ सही होना चाहिए। तो हम यहाँ से पढ़ेंगे हॉस्पिटल के बारे में। द हॉस्पिटल अ स्पॉटलेसली क्लीन बिल्डिंग, जो हॉस्पिटल थी वो कैसा था, बिल्कुल साफ बिल्डिंग थी जिसपे कोई भी निशान नहीं था। विद ग्लीमिंग वाइट वॉल्स, जिसकी चमकती हुई वाइट वॉल्स थी, सफ़ेद दीवारें थी, वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल बिल्डिंग इन द टाउन, पूरे टाउन की सबसे सुंदर बिल्डिंग थी वो। इट हैड थ्री वार्ड्स, उस हॉस्पिटल के थ्री वार्ड्स थे, ठीक है। थ्री वार्ड्स मतलब तीन मेन उसमें वो हिस्सों में बटा था। क्या क्या थे? वन फॉर मेल्स, एक मेल्स के लिए था, मतलब मैन के लिए था। अदर फॉर फीमेल्स, वुमेन के लिए था। एंड अ स्पेशल वार्ड फॉर टीबी पेशेंट, और एक और वार्ड था जो टीबी पेशेंट के लिए था। टीबी पेशेंट, आप टीबी जानते हो कि टीबी एक डिसीज़ को कहते हैं, एक बीमारी को कहते हैं, तो उनके पेशेंट्स के लिए एक अलग से वार्ड बनाया था। इट हैड अ लिटल ऑपरेशन थिएटर, वहाँ पे एक छोटा सा ऑपरेशन थिएटर था, वेयर डॉक्टर्स कट एंड स्टिच्ड इन द लाइट ऑफ द सन, जिधर डॉक्टर मतलब स्टिचिंग करते थे, जो भी ऑपरेशन वो करते थे, कट करते थे, स्टिच करते थे, और कैसे करते थे वो, सन की लाइट में, जो सूरज की रोशनी आ रही है उस छोटे से रूम में, उसकी लाइट में वो ऑपरेशन करते थे। लेट इन बाय विंडोज और इन एमरजेंसीज इन द लाइट ऑफ केरोसिन लैम्प, और जब भी एमरजेंसी होती थी, जैसे रात का टाइम है या फिर कोई भी एमरजेंसी का टाइम है, तो उस टाइम पे जब सनलाइट उनको नहीं मिलती थी, तो फिर वो उसकी जगह केरोसिन लैम्प यूज़ करते थे। केरोसिन मतलब तेल जो होता है, उस तेल से वो लैम्प जलाते थे और उसकी रोशनी में वो ऑपरेशन करते थे। ब्लीच वॉज स्टोर्ड इन अबेंडेंस एंड अ कॉम्पोस्ट पिट टुक ऑल द वेस्ट विद जनरल स्प्रिंकलिंग्स ऑफ लाइम, तो काफ़ी सारी ब्लीच रखी हुई थी वहाँ पे, कंपोस्ट पिट रखा हुआ था। कंपोस्ट पिट मतलब जिसके अंदर सारा जो भी सामान होता है, जो बायोडिग्रेडेबल होता है, जो एक तरीके से मिट्टी में जो मिल सकता है, जो पूरा का पूरा आपने पढ़ा होगा साइंस में, पूरा मिट्टी में जो मिल जाता है पूरी तरीके से, उसको बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से जो डीकम्पोज हो जाता है, तो उसके लिए कंपोस्ट पिट बनाया हुआ था जिसमें सारा वेस्ट जाता था जो बायोडिग्रेडेबल था, ठीक है। और उसमें स्प्रिंकलिंग्स ऑफ लाइम की स्प्रिंकलिंग कर रखी थी। द हॉस्पिटल हैड ओनली रेफ्रिजरेटर इन द प्लेस, तो उस जगह सिर्फ एक हॉस्पिटल ही ऐसी जगह थी जिस दर रेफ्रिजरेटर था, ठीक है, जहाँ पे फ्रिज था। एंड अ गैस फायर्ड वन, और वहाँ पे गैस फायर्ड भी था, मतलब कि आग बुझाने वाला, जिससे आग बुझाई जाती है। अ शेल्फ ऑफ द रेफ्रिजरेटर वॉज रेगुलरली रिक्वेश्चन्ड, अब जो रेफ्रिजरेटर की शेल्फ होती थी ना, वो हर रोज़ रिक्वेश्चन का मतलब होता है ऑफिशियली रिक्वेस्टेड फॉर समथिंग, हर बार उसके लिए रिक्वेस्ट करी जाती थी। किस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करी जाती थी? टू सेट आइसक्रीम्स एंड पुडिंग्स, के हर जब भी कोई भी उस टाउन में आता था, तो उसके लिए रिक्वेस्ट करी जाती थी कि इसके अंदर आप आइसक्रीम रख दो, पुडिंग्स रख दो। जब भी कोई वीआईपी विजिटर आता था, मतलब कोई ख़ास इंसान आता था टाउन में, उनके लिए समटाइम्स पुडिंग्स वर सेट फॉर अ कम्युनिटी डिनर टू, तो और कभी कभार उसमें पुडिंग्स तब भी रखी जाती थी जब कम्युनिटी डिनर होता था। कम्युनिटी डिनर का मतलब होता है जो पूरा वहाँ का जो लोग हैं, जो सारे रहते हैं, उनके लिए कोई भी मतलब कुछ भी हो रहा है, कोई डिनर हो रहा है, तो उसके लिए भी रखा जाता था। आउटसाइड द हॉस्पिटल वेरांडा, अब हॉस्पिटल के बाहर क्या सीन था, पूरा वेरांडा था। अंडर द ओवरहैंगिंग रूफ वॉज अ पोल स्लंग फ्रॉम टू स्लिम आयरन पिलर्स एंड फ्रॉम दिस पोल स्लंग थ्री बकेट्स, अब देखो वेरांडा था, अंडर द ओवरहैंगिंग रूफ मतलब वेरांडा बाहर वही खुली जगह थी, बालकनी टाइप, उसके ऊपर ओवर हैंगिंग रूफ्स थी, मतलब ऐसी स्लोपिंग वाली रूफ्स, छत बनी हुई थी ढलान वाली। वॉज अ पोल स्लंग फ्रॉम टू स्लिम आयरन पिलर्स, और उसके आगे दो लोहे के पिलर बनाए हुए थे, लोहे के खंभे बने हुए थे जिसके ऊपर वो फिट हो रखी थी स्लोपिंग रूफ, ढलान वाली छत। और फ्रॉम दिस पोल स्लंग थ्री बकेट्स, और उस पोल पे ना तीन बकेट्स लगी हुई थी, ठीक है। थिक स्ट्रॉन्ग टिन बकेट्स, अब मोटी सी ये टिन की बकेट्स बनी हुई थी, ये आप पिक्चर में भी देख सकते हो, यहाँ पे बनी हुई है। कॉनिकल कोन शेप्ड की थी वो, वाइड ब्रिम्ड
उनकी जो मतलब चारों ओर ब्रिम का मतलब होता है कि उनके जो एज थी ना वो काफी चौड़ी थी, ठीक है, मतलब किनारी जो थी उन बकेट्स की, ऐसी बकेट बनी हुई थी और उनकी जो किनारी थी आप ये पिक्चर में देख सकते हो काफी चौड़ी थी एंड स्लाइटली नैरोअर लोअर डाउन विद इन राउंड बॉटम्स, और नीचे से कैसी थी, नैरो थी, मतलब ऊपर से चौड़ी थी और नीचे से पतली थी, विद अ सीरीज ऑफ रिवेट्स, और क्या था रिवेट्स, रिवेट्स का मीनिंग होता है मेटल पिन दैट इज यूज टू फासन टू पीसेस, और उसमें रिवेट्स लगे हुए थे, मतलब मेटल की पिन लगी हुई थी जिससे आप किसी चीज़ को बांध सकते हो, ठीक है, उसको रिवेट्स कहते हैं, जिसको आप एक तरीके से बांध सको, ठीक है। दीज वर द फायर बकेट्स, तो वो क्या थे, फायर बकेट्स थे, आप तीन फायर बकेट्स पिक्चर में भी देख सकते हैं। द बट ऑफ रिडिकुल अमंग अडल्ट एंड द फेवरेट लिटल सैंडी थिंगिंग्स ऑफ चिल्ड्रन, और उसके अंदर क्या था, टारगेट ऑफ ऑल जोक्स। अब बट ऑफ रिडिकुल का मतलब होता है कि अब ये जो बकेट्स थी ना इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाया जाता था, काफ़ी मजाक बनाया जाता था, जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। तो बड़े लोग तो इन बकेट्स का काफ़ी मजाक उड़ाते थे, वो इसलिए मजाक उड़ाते थे क्योंकि उनको ये लगता था कि कभी ऐसा होएगा ही नहीं कि आग लगेगी, तो उनको ऐसा लगता था कि ये यूजलेस है ये बकेट्स। बेसिकली क्यों होती है फायर बकेट्स, इनके अंदर सैंड भरी होती है, इनके अंदर मिट्टी भरी होती है, तो जब भी आग लग जाती है तो आग बुझाने के लिए मिट्टी इन बकेट्स से डाली जा सके, इसलिए इनको ऐसे रखा जाता है, ठीक है। तो अब जो अडल्ट्स थे, जो बड़े लोग थे, वो उसका हमेशा मजाक उड़ाते रहते थे, एंड द फेवरेट लिटिल सैंडी थिंगिंग्स ऑफ चिल्ड्रन, और बच्चों के लिए क्या था कि ये सैंडी थिंगिंग्स, मतलब कि उन बच्चों के लिए तो एक तरीके से ये सैंड की चीज़, सैंड इसके अंदर भरी हुई थी, तो उनके लिए एक तरीके से काफ़ी फेवरेट चीज़ थी जिससे वो ये चीज़ें बना सके, ठीक है। जैसे कि ये आप ये देख सकते हो, ये छोटे छोटे बच्चे इन बकेट्स के बकेट्स में जो सैंड रखी हुई है उससे ये चीज़ें जो भी ये बनाते हैं कैसल वगैरह ये सब ये बना सके। द बकेट्स वर फिल्ड विद ड्राई सैंड डग अप। अब ये जो बकेट्स थी ना ये किससे भरी हुई थी, सैंड से भरी हुई थी, मिट्टी से भरी हुई थी, फ्रॉम द बैंक ऑफ द रिवर, रिवर की जो किनारी होती है, बैंक उसको कहते हैं, ठीक है। तो रिवर का जो किनारा होता है, नदी का जो किनारा होता है, वहाँ से मिट्टी उठाकर उससे ये बकेट्स भरी हुई थी, एंड ड्राइड इन द सन, और इन बकेट्स की जो मिट्टी थी उसको धूप में सुखाया हुआ था, एंड टू बी टॉप्ड एवरी नाउ एंड देन फॉर चिल्ड्रन ऑफ एवरीबडी डग इन टू देम टू मेक देयर सैंड कैसल, ठीक है। और उसको हर बार भरा जाता था और बच्चे उसको मतलब खाली कर देते थे सैंड कैसल बनाने के लिए। द हॉस्पिटल हैड अ सिलेंडर टू एक्सटिंग्विश फायर। अब हॉस्पिटल के पास एक सिलेंडर भी था जिससे वो आग बुझा सके, फायर एक्सटिंग्विशर भी था उनके पास। अ वेरी डेकोरेटिव पीस। अब उनके वहाँ का तो एक तरीके से वो डेकोरेटिव पीस था, डेकोरेटिव मतलब एक सजाने की चीज़ थी, कभी उन्होंने उसको यूज़ नहीं किया। ब्राइट ऑरेंज कलर का था, दैट हंग इन फुल व्यू इन फ्रंट ऑफ द स्टोर। स्टोर के बिल्कुल आगे काफ़ी अच्छे से वो लटका हुआ था। इट हैड नेवर बीन यूज एंड द स्टाफ वंडर्ड, और वो कभी भी उसका यूज़ नहीं किया गया था, और जो वहाँ का स्टाफ था मतलब जो वहाँ के लोग थे वो यही सोचते रहते थे इफ़ इट वुड वर्क, कि क्या ये काम भी करेगा। दे नेवर ट्राइड टू चेक इफ़ इट वॉज वर्किंग दो, और कभी भी वहाँ के जो लोग थे उन्होंने कभी भी इसको चेक नहीं किया कि वो काम करता भी है या नहीं करता। इवन टू चेक फॉर हु नोज इन एन एमरजेंसी इट मे एक्चुअली बी नीडेड, और इवन अगर वो काम करता भी है तो किसको क्या पता कि जब इमरजेंसी पड़ेगी, जब कोई भी मुश्किल पड़ेगी उस टाइम पे ये काम करेगा भी या नहीं करेगा। तो ये यहाँ तक हॉस्पिटल के बारे में था, ठीक है, हॉस्पिटल का पूरा बताया हुआ था कि हॉस्पिटल कैसा था। अब हमने इसकी रीडिंग यहाँ तक करी है इस चैप्टर की, एंड दिस इज़ द पार्ट वन ऑफ दिस चैप्टर। आई विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन पार्ट टू, सो you have to watch all two parts of this chapter to understand this completely, and this is it for today. Thank you for watching.